देखिए वो सिंगनखेड़ा में आलियागंज है, वहाँ के करीब 26 लोग, 26 किसान आए थे, और इसके पहले भी वो शिकायत दे चुके हैं। उस ड्यूरिंग इलेक्शन भी दिया था उन्होंने, उसको जांच में दिया गया था। उन्होंने कुछ दिन पहले आके फिर से मुझे रिमाइंड कराया कि उनकी जो शिकायत थी उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैंने संबंधित SDM को दिया, उनसे मैंने कहा कि आप एफिडेविट पे दे दो उनके रिकॉर्ड्स जो उन्होंने दिए थे। अच्छा, इसके पहले जो शिकायत उन्होंने दी थी उसमें चूंकि उन्होंने गाटा संख्या नहीं दिया था इसलिए जांच में दिक्कत हो रही थी। इस बार उन्होंने गाटा संख्या के साथ दिया तो उसको खतौनी से चेक कराया गया तो ये पाया गया कि ये ज़मीन उन्हीं के नाम है, और उस ज़मीन की लोकेशन जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर है, और जौहर यूनिवर्सिटी में चारों तरफ वॉल बना के उस ज़मीन को अपने अंदर कर लिया गया। इनका कहना ये था कि इसमें न तो वो उस जगह पे अपनी जा सकते हैं, ना अपनी ज़मीन पे खेती कर सकते हैं, और इसके अलावा उनकी शिकायत में ये भी था कि जो एक आले हसन है वो समय पूर्व में CO रहे थे, CO रहते इन्होंने काफ़ी उनके ऊपर अत्याचार किए, बहुत सारे लोगों के गांजा भांग और जो भी है वो लगा के उनको बंद किया, और इनके उनको भी कई बार इस बारे में अरेस्ट किया गया। लेकिन अभी की उनकी शिकायत, मैंने कहा आप जब पूर्व पहले थे तो अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी तो रिटायर हो चुके, उन्होंने कहा आज भी उनकी धमकी, वो थ्रेटन करते रहते हैं, हम लोगों को धमकी देते रहते हैं कि बेच दो कहीं नहीं जा पाओगे। हम लोग तो जाहिर सी बात है कि जब वो खेती वहाँ नहीं कर पाते और यूनिवर्सिटी के अंदर है तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो निश्चित रूप से वो कब्जे में है। इसको चेक कराया, जाँच कराई गई तो उसमें ये बात उनकी सही निकली, और इसीलिए भू माफिया के अंतर्गत चूँकि उस यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री आजम खान साहब हैं और आले हसन जो हैं वो उनके खिलाफ़ लोगों का आरोप था, और इन दोनों के खिलाफ़ चूँकि लोगों ने एफिडेविट पे आरोप दिया हुआ है तो इसलिए हमारी तरफ से भू माफिया में उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया तो दोनों खिलाफ भू माफिया में हुआ जी।